हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आज मैं आपके सामने पेंटागन ड्रॉ करूंगा। जो हमारी शेप्स की सीरीज चल रही थी ना, तो पेंटागन भी एक शेप होता है। सो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। सो पेंटागन बनाने के लिए मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल यूज़ करिए। ओके, सो चलिए देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लेके जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेके जाते हैं। ओके, बहुत ही ईजी था। फिर इस पॉइंट को ऐसे लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, बहुत ही ईजी। और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इतनी सिंपल था ये पेंटागन बनाना, है ना। इसमें 5 साइड होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। सो इसका नाम है PEN। आज स्पेलिंग मुझे कमेंट में लिखिए। ओके, TAGON। सो पेंटागन बहुत ही जल्दी बन गया, ये ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स में बन गया होगा, है ना। सो चलिए इसे कलर करके भी देख लेते हैं। कलर करने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल होगा। सो इसे मैं, ये कौन सा मैं कलर कर रहा हूँ आप इसकी स्पेलिंग भी मुझे मेंशन करिए। ओके, सो मैं यहाँ पे जल्दी थोड़ी कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो को मैं लंबा ना रखूँ। आप जल्दी मत करिए, आप आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सो बहुत आपका हो सकता है इसमें मिस्टेक्स भी हो सकता है। सो आराम से करिएगा, इरेजर लेके आराम से धीरे धीरे इरेज करके यूज़ करिएगा। और स्केल से अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लाइन टानने में या लाइन बनाने में, सो आप स्केल अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, 2-3 बार आप स्केल यूज़ करिएगा, उसके बाद आप नॉर्मल हैंड से ही ड्रॉ करने ट्राई करिएगा। ओके, सो ये एक और शेप का वीडियो हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। सो मिलते हैं अगले शेप के वीडियो में। अगले वीडियो में हम 6 साइड्स होता है जिसमें उसे हम कवर करेंगे। ओके, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स था ना, अगले वाले में 6 साइड्स होता है। सो उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।